डेटा सॉर्टिंग एंड डेटा फिल्ट्रेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सबसे इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल फंक्शंस में से एक है। विदाउट दीज फंक्शंस अ डेटा एनालिस्ट इज नॉट एबल टू परफॉर्म देयर डेटा एनालिसिस वर्क इफेक्टिवली। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम डेटा सॉर्टिंग एंड डेटा फिल्ट्रेशन फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इन दिस वीडियो आई विल शेयर यू डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हाउ टू यूज कस्टम डेटा सॉर्टिंग एंड एडवांस डेटा फिल्ट्रेशन विद द लाइव एग्जांपल्स। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ कॉलम ए में कुछ एम्प्लॉइज के नाम दिए गए हैं, कॉलम बी में उनका एज, कॉलम सी में उनका सिटी, डी में जेंडर और ई में उनका सैलरी दिया गया है। अगर कॉलम ए के डेटा को हमें एम्प्लॉइज के नाम को ए टू जेड या जेड टू ए सॉर्ट करना है तो उसके लिए हमें डेटा सॉर्टिंग फंक्शन यूज करना होगा। उसके लिए हम यहाँ पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। रो सेकंड से लेके रो 43 तक का डेटा हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम सॉर्ट एंड फिल्ट्रेशन टैब पे आएंगे और यहाँ सॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए आप अपनी इच्छा के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं ए टू जेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप एक्सपेंड दिस सिलेक्शन को यूज करेंगे। अगर आप इक्वली हर एक कॉलम को हर एक एम्प्लॉय के साथ सॉर्ट करना चाहते हैं, मींस कि जहां मेरा फर्स्ट एम्प्लॉय है और उसके रेस्पेक्टिव जो भी डेटा अवेलेबल है वो उसके साथ ही ऊपर या नीचे अपनी सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ करंट सिलेक्शन के साथ जाना चाहते हैं तो हमें सेकंड ऑप्शन को ऑप्ट करना होगा। इसमें सिर्फ फर्स्ट कॉलम के डेटा को ही हम सॉर्ट करेंगे, रेस्ट ऑफ द कॉलम्स का डेटा हमारा सॉर्ट नहीं होगा और अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। तो हम एक्सपेंड सिलेक्शन के साथ चलेंगे, यहां सॉर्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो यहां मेरे एम्प्लॉयज का डेटा ए टू जेड सॉर्ट हो गया और साथ ही साथ उनका एज भी इसके साथ, एज, कंट्री, जेंडर एंड सैलरी भी इसके साथ अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन शिफ्ट हो गया है। इसके अलावा अगर आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर या न्यूमेरिक डेटा के ऊपर आपको सॉर्टिंग फंक्शन को यूज करना है तो आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के बेसिस पे भी अपनी डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। मैं यहां सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सिलेक्ट करूंगा और यहां एक्सपेंड सिलेक्शन के साथ ही मैं जाऊंगा तो मेरा डेटा सॉर्ट हो गया। इस पर्टिकुलर केस में 25 एज सबसे लोएस्ट एज ग्रुप है एंड सबसे हाईएस्ट 45, मींस कि हमारा डेटा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट होके आ गया। इसके अलावा यहां हम कस्टम सॉर्ट फंक्शन को भी देख लेते हैं कि हमें कैसे डेटा को कस्टम सॉर्टिंग करना है। तो कस्टम सॉर्टिंग के लिए हम सॉर्ट एंड फिल्ट्रेशन को यूज करेंगे और यहां कस्टम सॉर्ट फंक्शन के बटन को प्रेस करके यहां एक्सपेंड सिलेक्शन के साथ मैं सॉर्ट बटन को प्रेस करूंगा। अब यहां आपको अपने सॉर्ट के क्राइटेरिया देने होंगे। से फॉर एग्जांपल आप अपने डेटा को टॉप टू बॉटम सॉर्ट करना चाहते हैं तो यहां आप जिस कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट करना चाहते हैं वो आप यहां कंडीशन दे सकते हैं। आप नेम, एज, सिटी, जेंडर या सैलरी में से किसी भी कॉलम के बेसिस पे यहां डेटा को सॉर्ट करवा सकते हैं। जैसे कि मैं नेम को दे देता हूं और हम यहां वैल्यूज सेल वैल्यूज के बेसिस पे चलेंगे और ए टू जेड हम अपने कॉलम को ऑर्डर करेंगे। और इसके साथ मैं एक पैरामीटर और भी दे लेता हूं, मैं यहां से एड लेवल एड करूंगा तो मैं इसके बाद एक पैरामीटर और भी इसमें यूज कर सकता हूं कि मैं एज वाले फंक्शन को भी यूज कर लेता हूं कि मैं एज के बेसिस पे भी डेटा को सॉर्ट करना चाहता हूं। सेल वैल्यूज कर लेंगे और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे और आप यहां दो या दो से ज्यादा कितने भी आप यहां लेवल को ऐड कर सकते हैं कि अपने डेटा को कस्टम सॉर्ट करने के लिए। उसके बाद मैं ओके के बटन को प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहां ए टू जेड और एज वाइज भी मेरे पास डेटा सॉर्ट होके आ गया है। इसके बाद अगर हमें डेटा कॉलम वाइज सॉर्ट करना है, मींस कि मुझे चाहिए कि फर्स्ट कॉलम में, मतलब कॉलम ए के अंदर मेरा वे वैल्यूज हो जो अल्फाबेटिकली ए से स्टार्ट होती है और ऑनवर्ड्स मेरी वे वैल्यूज आए जो अल्फाबेटिकली ए के बाद आती है, तो मैं कॉलम वाइज डेटा सॉर्टिंग चाहता हूं। तो यहां हम कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और वापस हम सॉर्ट एंड फिल्ट्रेशन फंक्शन में आके कस्टम सॉर्ट फंक्शन को यूज करेंगे। अब यहां मुझे ऑप्शन में आके पहले तो हम लेवल को डिलीट कर लेते हैं, यहां जो लेवल्स अवेलेबल है ना डिलीट करते हैं। अब हम यहां ऑप्शन में आएंगे, ऑप्शन में आके हम यहां सॉर्ट लेफ्ट टू राइट करेंगे, लेफ्ट टू राइट किया, ओके किया। अब यहां लेवल को हम ऐड करेंगे तो हम यहां रो 1 के बेसिस पे अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, मींस कि रो 1 के अंदर जितना भी डेटा है वो हम अल्फाबेटिकली अरेंज करना चाहते हैं। तो रो 1 मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद सेल वैल्यूज के बेसिस पे जा रहे और ए टू जेड हम डेटा को ऑर्डर करेंगे तो ओके करेंगे। तो आप देखेंगे कि एज में ए अल्फाबेट है तो ए, सिटी में सी, जेंडर इस बेसिस पे हमारे ठीक कॉलम के डेटा सॉर्ट होके आ गया है, मींस हमने कॉलम वाइज डेटा को सॉर्ट कर लिया है। तो इस तरह से आप कस्टम डेटा सॉर्टिंग फंक्शन को यूज कर सकते हैं। यहां आप लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम बेसिस पे डेटा को ऑर्डर या सॉर्ट कर सकते हैं और आप एक या एक से ज्यादा लेवल को भी यहां यूज कर सकते हैं। इसके बाद डेटा फिल्ट्रेशन देख लेते हैं। तो डेटा फिल्ट्रेशन को यूज करने के लिए या तो हम सॉर्ट की यूज कर सकते हैं या तो हम यहां से डेटा के लिए हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट रो को और उसके बाद हम फिल्टर्स को प्रेस करेंगे तो हमारा फर्स्ट रो में हर एक कॉलम में हमारे फिल्टर्स बन के आ जाएंगे। यहां से हम कोई भी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं।
सकते हैं, नेम के बेसिस पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ इस डेटा को ही से और ये वाले डेटा को ही देखना है, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो हमारे पास यही डेटा फिल्टर होकर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एज ग्रुप के हिसाब से आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ आप नंबर फिल्टर मीन्स कि मैं चाहता हूँ कि मोर देन 30 के साथ हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं और यहाँ 30 मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ वे एम्प्लॉय का डेटा फिल्टर होकर आएगा जिनका एज मोर देन 30 है। तो इस तरह से आप यहाँ न्यूमेरिक बेसिस पे भी इक्वल डज नॉट इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू इस तरह से बिटवीन के बीच में मल्टीपल आप यहाँ अपने वेरिएबल्स यूज करके डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मेरे डेटा के अंदर पहले से ही कुछ डेटा को कलर्ड किया गया है मीन्स कि उन्हें बैकग्राउंड कलर दिया गया है तो उस बेसिस पे भी आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ आप फिल्टर बाय कलर के बेसिस पे भी डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास जिस पर्टिकुलर कलर को मैं सिलेक्ट करूंगा सिर्फ वही डेटा मेरे पास फिल्टर होके आएगा। इसके बाद एडवांस डेटा फिल्ट्रेशन को देख लेते हैं। उसके लिए हम डेटा टैब को यूज करेंगे, एडवांस फंक्शन को यहाँ से प्रेस करेंगे तो हमारे पास एडवांस फिल्टर का ये पॉपअप होके आ जाएगा। यहाँ हमें लिस्ट रेंज को सिलेक्ट करना होगा तो मैं कॉलम C2 कॉलम D सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं दो वेरिएबल यूज करने वाला हूँ, सिटी एंड जेंडर, कि सिटी वाइज मुझे जेंडर की इन्फॉर्मेशन मिले। और मुझे ये इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे क्राइटेरिया की रेंज देनी होगी तो मैं सी कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सी को मैंने सिलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया एंड देन मुझे यूनिक रिकॉर्ड्स की आवश्यकता है तो मैं यूनिक को चेक करूंगा, ओके को प्रेस करूंगा तो मेरे पास सिटी वाइज जेंडर की इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल्टर होके आ गई। तो इस तरह से आप दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं एडवांस डेटा फिल्ट्रेशन के लिए। तो इस तरह आप अपने किसी भी डेटा को डेटा सॉर्टिंग फंक्शंस या डेटा फिल्ट्रेशन फंक्शंस की हेल्प से एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।